राम जीवन। तो सर जी आपको सैलरी कितनी मिलती है? पकड़े रहना 50,000। कंधी लाल, तो कंधी लाल सर जी का नाम है, तो आपको कितना वेतन मिलता है? 45। थोड़ा सा इधर मुड़ जाइए, भैया की 40, सर की 45, अब ये बड़े भाई साहब की है 30,000। तो आप भी का? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में। जैसे कि आप लोग जानते हैं RRC ग्रुप डी की सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग यहां पे देख पा रहे हैं जो ट्रैकमैन हमारे जो साहब बैठे हुए हैं, तो इनसे थोड़ा सा बातें करेंगे क्या काम होता है फिलहाल, कितनी मेहनत पड़ती है, क्योंकि 30,000 सैलरी लेना, जो गवर्नमेंट सैलरी लेना, सरकार जब वेतन देती है तो कितना मेहनत करवाती है, वो सारी चीज़ जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखना है आप लोगों को। तो देख पा रहे हैं आप लोग 1, 2, 3, 4, 5 लोग बैठे हुए हैं, तो पांचों लोगों से थोड़ा थोड़ा बात करेंगे, वो भी 20-20 सेकंड बात करेंगे। तो आप पहले सर, आप ही आपसे स्टार्ट करते हैं। सर आपका नाम? अखिलेश कुमार। अखिलेश कुमार, क्या करते हैं आप यहाँ पे? सर ट्रैक मेंटर का काम करते हैं। अच्छा, मतलब कब की ज्वाइनिंग है आपकी? 2015 की। अच्छा, इधर मुड़ जाइए। अरे बाप रे, पकड़े रहिएगा दोस्तों, ट्रेन भी चल रही है तो पकड़े रहिएगा आप। हैं तो आप ये बता दीजिए कि सैलरी कितनी मिलती है आपको? ऐसे है 40,000 करीबन मंथली। आप लोग देख पा रहे हैं कि सैलरी तो 40,000 मिलती है, लेकिन आप हाथ दिखा दीजिए थोड़ा सा। आप भैया के हाथ देख पा रहे हैं कितने बड़े बड़े चट्टे पड़े हुए हैं, ट्रैकमैन का काम है, कितनी मेहनत पड़ती है, आप लोग ये देखिए। तो सर आप क्या कहेंगे जो नए कैंडिडेट्स हैं, यानी अभी फिलहाल जो एग्ज़ाम चल रहा है, जो उन लड़कों को क्या कहेंगे कि आप लोग क्या इसको ज्वाइन करें या कोई और तैयारी करें? अरे और दूसरी तैयारी करें, ये तैयारी मत करें। क्योंकि इसमें मेहनत ज़्यादा है भाई। हाँ भैया बता रहे हैं हमारे कि अभी हम लोग 15 किलोमीटर से चल के आए हैं। गाइस जैसे ही मैं सुना कि 15 किलोमीटर चल के आना, तो मेरी तो यार दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं, क्योंकि हम लोगों की बस की नहीं है कि हम लोग 15 किलोमीटर चल के आ सकें, क्योंकि नए जितने भी स्टूडेंट हैं, नए लड़के हैं, तो उनके बस का कुछ नहीं होता। आते हैं घर से पैसे लेके पड़े रहते हैं, और फिलहाल मुझे नहीं लगता कितना काम मेहनत कर पाएंगे। अब देख पा रहे हैं जो हमारे दादाजी हैं, हमारे दादाजी के उम्र के ही हैं, हम बहुत एजेड हैं। तो सर आपका नाम? कंधीलाल है। क्या? कंधीलाल। कंधीलाल, तो कंधीलाल सर जी का नाम है, तो आपको कितना वेतन मिलता है? 45। थोड़ा सा इधर मुड़ जाइए, हाँ इधर घूम के बैठ जाइए। तो वही, हाँ तो 45,000 मिलता है। तो कब की ज्वाइनिंग है आपकी? हमारी 2004 की है। 2004 की, तो आप लोग देख पा रहे हैं जो हमारे दादाजी हैं, तो इनकी ज्वाइनिंग 2004 में हुई है, और 45,000 सैलरी मिल रही है फिलहाल, ठीक है। और तो आप भी यही काम करते हैं? हाँ आप भी यही काम करते हैं। मतलब इनसे सीनियर हैं? हाँ सीनियर हैं। और आपके बच्चे क्या करते हैं? आपके बच्चे क्या करते हैं? खेती किसानी करते हैं। क्या रेलवे की तैयारी नहीं करवा रहे हैं? अरे वो रेलवे याद में कहाँ तैयारी कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे जो लड़के तैयारी कर रहे हैं, ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ सब? अरे हम लोग आदमी ट्रक माइनिंग में ना हो दूसरे नौकरी देखे। और सही कह रहे हैं, क्योंकि ट्रैक मैन में बहुत ही मेहनत है, रेलवे में काफ़ी मेहनत पड़ जाती है। सर आपका नाम? शिवालक। सबसे पहले आप बता दीजिए आपकी सैलरी कितनी मिलती है? 30। तो आप लोग देख पा रहे हैं भैया की 40, सर की 45, अब ये बड़े भाई साहब की है 30,000। तो आप भी यही काम करते हैं? हाँ। अच्छा, तो आप मतलब कितने घंटे काम करना पड़ता है फिलहाल एक दिन में? 8 घंटा। छुट्टियाँ कितनी मिलती हैं? हफ्ते में 8, एक 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 30 छुट्टी। अच्छा 30 छुट्टी, अच्छा एक साल में 30 छुट्टियाँ मिलती हैं, और मतलब बीच में रेस्ट? एक। अच्छा हफ्ते में एक दिन रेस्ट मिलता है, अभी बीच में 8 घंटे जो काम करते होंगे तो रेस्ट ना मिलता होगा ना। तो मतलब आप क्या कहना चाहेंगे जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए कुछ कह दीजिए? क्या ये ट्रैक मैन का काम ना करें हो क्या? हाँ ट्रैक मैन का काम ना करें, और कोई जैसे टीचर लाइन है, और बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं फिलहाल रेलवे ये भी चल रहा है कि मतलब अभी 13,000 कुछ वैकेंसियाँ सरकार ने बिना अथॉरिटी के या बिना कुछ बताए हुए भर लिया है, जो पॉइंट मैन है इसके बारे में वैकेंसी भर ली गई हैं। तो आप उधर बात करते हैं जो थोड़ा सा और मतलब वो भी सीनियर ही हैं। सर आपका नाम? राम जीवन। राम जीवन, तो सर जी आपको सैलरी कितनी मिलती है? पकड़े रहना सर। सर आपका नाम? राम जीवन। राम जीवन, तो सर जी आपको सैलरी कितनी मिलती है? पकड़े रहना 50,000। हाँ तो अब यहाँ पे देख पा रहे हैं जो हमारे मतलब सर जी बैठे हुए हैं, इनकी वो सीनियर है हमारे। अच्छा, वो हाँ जो राम वो जी जी, तो मतलब इंचार्ज हैं हमारे। अच्छा, टीम के इंचार्ज हैं हमारे, वो सुपरवाइजर। हाँ वही हमको रेस्ट देते हैं, वही काम बताते हैं, वो अपना हिसाब से काम लेते हैं। मतलब कहें
तो पूर्ण रूप से जो रेगुलेटिंग का काम करते हैं यानी पूर्ण रूप से रेगुलेट करते हैं सभी लोगों को, तो हमारे सर हैं मुकद्दर साहब। तो सर आपको सैलरी कितनी बताएं? 50,000। अच्छा, आपकी ज्वाइनिंग कब की है? मेरी 86 1986 1986 की। तो मतलब मेहनत तो बहुत ही बढ़ती होगी। हार्ड वर्किंग है। अच्छा। हार्ड वर्किंग है, मेहनत तो आई है 8 घंटा। यदि यदि हमारी इतनी हार्ड वर्किंग न होती ये ट्रेन नहीं चल पाई। तो आप मतलब जब आपकी ज्वाइनिंग हो गई थी तो आपको क्या लग रहा था कि ये नौकरी छोड़ दें या करें? देखो, हम ज़्यादा पढ़े नहीं थे तो हम तो ये थे कि हमारे बच्चे कलेंगे, मेहनत से काम करते रहे, आगे आके प्रमोशन मिला लास्ट में। दोस्तों, आप लोग देख पा रहे हैं कि जो मिडिल क्लास के कैंडिडेट्स होते हैं यानी एक गरीब फैमिली से कह दें तो उनके लिए अगर मेहनत भी पड़ जाए तो वो अपने बच्चों के लिए सोचते हैं कि कम से कम हमारे बच्चे तो पढ़ लेंगे और हम लोग जैसे भी कैसे करके अपना टाइम निकाल लेंगे, मेहनत कर लेंगे, लेकिन हमारे बच्चे अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे और अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो यही कहानी है हमारे दादाजी की जो कह रहे हैं कि मतलब कैसे भी है हमारे बच्चे तो पढ़ेंगे। तो आप क्या कहेंगे जो नए स्टूडेंट हैं? देखो, बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं रेलवे में आने के लिए ट्रैकमैन में, तो ये सोच लें कि हमें मेहनत इसमें ज़्यादा है और रोज़गार है नहीं है, तो वो तो सोचते हैं बच्चे कि हमारा इसी में हो जाए तो कम से कम हमारा परिवार चले, तो ये सोचेंगे मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी, इसमें रात दिन की मेहनत है, हेड क्वार्टर में रहना पड़ता है, कोई इमरजेंसी आई जाना। इसमें आपको मतलब वो आवास तो मिलता होगा? आवास मिलता है, नहीं तो मतलब हाउस रेंट मिलता है। अच्छा, क्वार्टर नहीं है तो हाउस रेंट मिलता है। अच्छा, पैसा मिलता होगा खाने के लिए? खाने के लिए अपना स्वयं है। अच्छा, मतलब खुद बनाते खाते हैं आप? अच्छा, देखो आप लोग ये सारी चीज़ें आप लोगों ने सुना, और फिलहाल मैंने भी बहुत सारे एग्ज़ाम निकाले हैं, मेरा भी RPF का एग्ज़ाम निकला था लेकिन हाइट के कारण हम लोग बाहर हो गए हैं। तो फिलहाल कोई बात नहीं, अब मैं फिलहाल मेरा एग्ज़ाम तो छूट ही गया है RRC ग्रुप डी का, लेकिन हम लोग भी मिडिल क्लास से बिलोंग कर रहे हैं तो हम लोग भी अगर करने के लिए मिल जाती ट्रैकमैन भी, तो ऐसा तो है नहीं कि कुछ दिन ना करते प्रयास करने मैनेज करते। तो आप लोग मिले हमारे सभी भैया, जितने भैया दादा काका जो भी है सभी लोगों से, तो आप लोग सोच लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना है और सभी लोगों के लिए दुआएं ज़रूर करना है आप लोगों को, और बताना है कि ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं इस ट्रेन में बैठे बैठे आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।